तो गाइस आज की वीडियो पे हम लोग बात करेंगे जून मंथ 2021 की क्लैन गेम्स के हारे के रिवॉर्ड्स के बारे में। तो प्लीज सर पूरी वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखना, क्योंकि मैं बताने वाला हूँ जून मंथ में कौन कौन सा क्लैन गेम्स आने वाला है और यह 100% कन्फर्म रिवॉर्ड है गाइस। प्लीज सर वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखना और गाइस सब्सक्राइब जरूर से कर देना अपने भाई को, बहुत ज़्यादा हम मोटिवेशन लेते हैं अपनी आपके सब्सक्राइब से। तो गाइस सब्सक्राइब जल्दी से कर देना, बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन आता है वो सब्सक्राइब करने से। बिकॉज यहाँ पर जो अपना मेन फोकस रहा है वो आपके डिमांड के हिसाब से टायर नंबर 4, 5, 6 पर ही रहा है। बिकॉज बहुत सारे लोग यहाँ पर भाई फर्स्ट सेकंड थर्ड आए तो कोई मतलब नहीं रखते, कुछ भी रिवॉर्ड्स आ जाए उनको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेन अपना मतलब होता है फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स टायर पे, मेनली फिफ्थ एंड सिक्स टायर। तो उसको हम लोग ज़्यादा यहाँ पे स्टडी किया है और बहुत कुछ यहाँ पे वीडियो में आपको आज एक्स्ट्रा मिलने वाला है। फॉर एग्जाम्पल जो आपको फिफ्थ एंड सिक्स स्टार के मैं रिवॉर्ड्स बताऊंगा उसके साथ यहाँ पर उसका प्रूफ भी दूंगा यार कि मैं जो बोल रहा हूँ यही क्यों आएगा, दूसरा चीज़ क्यों नहीं आ सकता, अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपके दिमाग में डाउट ना रहे कि भाई हम इसको कैसे ट्रस्ट कर लें, ठीक है। तो साथ में आपको प्रूफ एंड बहुत सारे यहाँ पे दावे भी बताऊंगा जिससे आपको पता चलेगा यार कि एक्चुअली में यहाँ पर सीन क्या है, पिछले के पिछले महीने में क्या चीज़ आई थी जो इस महीने में नहीं आएगी। मतलब एक क्लैश ऑफ क्लैंस की साइकिल होती है ना रिवॉर्ड्स देने की, ये तो नहीं है भाई कि इनका जो मन करे अपने हिसाब से दे देते हैं। अगर आप इनके यहाँ पिछले 12 महीने के रिवॉर्ड्स निकालोगे कि भाई इन लोगों ने क्या चीज़ कब दी है, तो उसके हिसाब से आप देखोगे कि यहाँ पर साइकिल फॉलो होती आती है जिसके हिसाब से लोग रिवॉर्ड्स देते हैं हमें। तो उस साइकिल को हम लोग भी फॉलो करते हैं यूट्यूबर्स लोग, और उसके हिसाब से हम लोग अपने रिवॉर्ड्स के प्रेडिक्शन करते हैं। तो आज का जो रिवॉर्ड्स प्रेडिक्शन है मैं काफ़ी कॉन्फिडेंटली बना रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पर जो मैं फिफ्थ एंड सिक्स स्टार की स्टडी किया है ना मैंने भाई काफ़ी यहाँ पर हद तक मैंने क्रैक कर दिया है कि इस बार के रिवॉर्ड्स क्या होने वाले। तो वीडियो को एंड तक देखना, पहला आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगा बिकॉज आप लोग बहुत इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में पाओगे, इसकी गारंटी पूरी है। और सेकंड चीज़ यहाँ पर मैंने जो यहाँ पे रिवॉर्ड्स बताए टायर बाय टायर बताए, तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा अगर आप लोग सिर्फ और सिर्फ लास्ट के लिए आए हो, तो भाई तब भी यार टायर नंबर 1, 2, 3, 4, 5 से देखते जाना, क्योंकि अगर आप लोग सीधा लास्ट में स्किप कर दोगे तो मेन इन्फॉर्मेशन आपको समझ ही नहीं आएगी, आपको ऐसा लगेगा भाई कि कोई ऐसी रैंडम संबंधा हमें रिवॉर्ड्स बता रहा है हम कैसे उस पर यकीन कर ले। तो टायर नंबर 1 से मैं आपको समझाते समझाते लेके चलता हूँ टायर नंबर 6 तक। चलिए बढ़ते हैं आज के अपने वीडियो पे विदाउट एनी फर्दर डू। सो गाइस चलिए बढ़ते हैं अपने वीडियो के मेन टॉपिक पे, बात करते हैं भाई टायर टू टायर की हमारे क्लैन गेम रिवॉर्ड्स यहाँ पर क्या होने वाले हैं इस महीने में। तो यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं टायर नंबर 1। तो बेसिकली टायर नंबर 1 में यहाँ पर आप देख सकते हो एक पावर पोर्शन, 20 जेम्स एंड यहाँ पर एक ट्रेनिंग पोर्शन। तो यहाँ पर 20 जेम्स और एक ट्रेनिंग पोर्शन जो है ना ये फिक्स रहता है भाई, हर महीने ये आता ही आता है, कभी कभी यहाँ पर ट्रेनिंग पोर्शन की जगह कुछ और मिल जाता है, लेकिन 90% यहाँ पर ट्रेनिंग पोर्शन एंड 20 जेम्स फिक्स रहते हैं। और एक अपना पावर पोर्शन मैंने यहाँ पर ऐड किया है अपनी साइकिल को फॉलो करते हुए, साइकिल का मतलब क्लैश ऑफ क्लैंस के रिवॉर्ड्स देने का जो साइकिल है वो। चलिए बढ़ते हैं टायर नंबर 2 पे, बात करते हैं इसका क्या यहाँ पे रिवॉर्ड्स का सीन है। तो बेसिकली टायर नंबर 2 में देखने को मिल सकता है यहाँ पे 25% गोल्ड रिसोर्स पोर्शन एंड एक क्लॉक टावर पोर्शन। बिकॉज क्लॉक टावर पोर्शन एक छोटा सा रिवॉर्ड है और बिल्डर बेस का यही अकेला रिवॉर्ड है जो भाई बहुत छोटा है, तो ये कहीं आगे देखने को ज्यादा मिलता नहीं है। टायर नंबर 1 या फिर टायर नंबर 2 में इसे निपटा देते हैं। तो यहाँ पर क्लॉक टावर पोर्शन हमें मिल सकता है, बट अभी रिसेंटली एक इवेंट भी आया जहाँ पे क्लॉक टावर पोर्शन मिला है जो कि अपना एब्सोल्युटली बारबेरिक है, तो मे बी यहाँ पर क्लॉक टावर पोर्शन दिए गए कोई दूसरा छोटा पोर्शन दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर फाइनली अपना फिलहाल तो यही अपना प्रेडिक्शन है कि यहाँ पर 25% गोल्ड, एक रिसोर्स पोर्शन और एक अपना क्लॉक टावर पोर्शन। और जो रिसोर्स पोर्शन क्लॉक टावर पोर्शन है ये भी मैंने अपने क्लैश ऑफ क्लैंस की साइकिल को फॉलो करते हुए यहाँ पर ऐड किया है। बाकी अगर आप लोग यहाँ पर जानना है भाई कि क्लैश ऑफ क्लैंस की साइकिल मैंने कैसे यहाँ पर समझी है, तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम डिस्कॉर्ड कहीं पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मैं आपको वहाँ पर और डीपली समझाऊंगा। अगर मैं वीडियो के अंदर समझाने बैठ गया तो काफी लंबी वीडियो बन जाएगी। चलिए बात करते हैं टायर नंबर 3 के बारे में। तो टायर नंबर 3 में यहाँ देखने को मिलने वाला है शावर ऑफ ऑब्स्टिकल एंड एक सुपर पोर्शन एंड 50 जेम्स। तो पहले यहाँ पर शावल ऑब्स्टिकल तो एकदम फिक्स होता है, आपको पता होगा टायर नंबर 3 या फिर 4 इन दोनों में शावल ऑब्स्टिकल और वॉल रिंग्स दोनों यहाँ पर सफल होते रहते हैं। कभी कभी टायर नंबर 4 में शावल ऑब्स्टिकल आ जाता है, टायर नंबर 3 में वॉल रिंग्स आ जाती है, कभी कभी टायर नंबर 3 में शावल ऑब्स्टिकल आता है और टायर नंबर 4 में वॉल रिंग्स। तो चीज़ तो आप लोग समझ गए यहाँ पर मैंने शावल ऑब्स्टिकल क्यों ऐड किया है। अब बात करते हैं भैया यहाँ पर सुपर पोर्शन मैंने क्यों ऐड किया है, बिकॉज हमारे गेम के अंदर ये न्यू आया था थोड़े दिन पहले, 2-3 महीने पहले, और आपको बता दूं यार यहाँ पिछले पिछले मतलब यार मार्च के महीने में हमें देखने को मिला था टायर नंबर 4 में शायद सुपर पोर्शन। तो यहाँ पर इस बार वापस से साइकिल के हिसाब से यहाँ पर सुपर पोर्शन इस बार जो है टायर नंबर 3 में देखने को मिल सकता है। जैसा कि मैंने बोला टायर नंबर 4 के रिवॉर्ड कभी कभी टायर नंबर 3 में आते हैं, कभी कभी टायर नंबर 3 के रिवॉर्ड्स टायर नंबर 4 में आते हैं। तो उस हिसाब से भाई मार्च में ये सुपर पोर्शन आया था टायर नंबर 4 में, तो इस बार टायर नंबर 3 में इसके आने के बहुत ज्यादा चांस है। चलिए बात करते हैं हम लोग यहाँ पर भाई टायर नंबर 4 के बारे में, वापस से एक बार टायर नंबर 3 रिपीट कर देता हूँ, ये थोड़ा मैंने कंफ्यूजन क्रिएट कर दी इसको लेकर। तो टायर नंबर 3 में यहाँ देखो भाई 90% चांस है कि शावर ऑब्स्टिकल
एक सुपर पोर्शन और 50 जेम्स हमें देखने को मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं टायर नंबर 4 पे। उससे पहले भाई, अगर आप लोग हमारे चैनल फर्स्ट टाइम हो तो हमारे चैनल पे बहुत सारा क्लैश ऑफ क्लैंस का रिलेटेड कंटेंट पड़ा हुआ है, आप लोग चेकआउट कर सकते हो। एक रिमाइंडर दे रहा हूँ भाई कि आप लोग एक बार चेक कर लेना। लोग देखने वाले तो एक ही भाई रिक्वेस्ट है, लाइक सब्सक्राइब करो। लाइक करने से इस वीडियो की रीच बढ़ेगी, जो कि मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। और सब्सक्राइब कर दो ताकि यार हम लोग ऐसे ही आगे बढ़ते रहे, आप लोग भी हमारे प्रीटेक्स फैमिली ज्वाइन। तो चलिए बात करते हैं टायर नंबर 4 के बारे में। तो बेसिकली टायर नंबर 4 में यहाँ पर जो मैंने प्रिडिक्शन किया वो कुछ इस तरह से है, 6 वॉल रिंग, 70% गोल्ड, 75% एलिक्सर। अब बेसिकली यहाँ पर मैंने इस बार टायर नंबर 3 और 2 में गोल्ड एलिक्सर कुछ भी ज्यादा ऐड नहीं किया, इसलिए यहाँ पर मैंने दोनों जो है ऐड कर दिए हैं, गोल्ड और एलिक्सर अपने टायर नंबर 4 में। और ऐसा हुआ है भाई, जनवरी फरवरी मार्च ये तीन महीने इसी तरह से हुआ है, एक ही टायर के अंदर दो दो 75% गोल्ड एलिक्सर दे दिए। अब कुछ लोग यहाँ पर जो गेम के अंदर नए, उन्हें पता नहीं होगा 75% गोल्ड कितना होगा। आपका जो यहाँ पर ट्रेजरी होता है, इसके अंदर जो स्टोरेज होता है ना, इसका 75% समझो यहाँ पर 75% गोल्ड, तो इसका मतलब आपका जो ट्रेजरी है, इसका जो गोल्ड का स्टोरेज है, उसका 75% मतलब उतना आपको यहाँ पर गोल्ड मिलेगा क्लैन गेम रिवॉर्ड से। तो होप सो आप लोग समझ गए होंगे मैं कहना क्या चाहता हूँ, और जिनके दिमाग में कंफ्यूजन थी वो भी क्लियर हो गई होगी। चलिए बढ़ते हैं, बात करते हैं टायर नंबर 5 के बारे में, जो कि यहाँ पर आप लोग मतलब वेट ही कर रहे होंगे टायर नंबर 5 एंड 6 का। तो बस टायर नंबर 5 में बढ़ने से पहले वापस एक बार रिमाइंड कर रहा हूँ भाई कि आज की वीडियो को लाइक किया मैं 200 लाइक्स, एक छोटा सा डिसेंट सा लाइक है मैं कंप्लीट करा देना भाई लोग। एंड चलिए हम लोग बढ़ते हैं, बट यहाँ पर बढ़ाए प्लेयर बचे नहीं है बिकॉज ये मेरे दोस्त की आइडिया, तो वो बहुत दिनों से गेम खेले नहीं है। एक काम करते हैं, डिफेंस लॉक से कुछ लगा लेते हैं, डिफेंस लॉक भी इतना अच्छा है भाई, इनका क्या लगाऊं। ओके 60% ये लगा लेते हैं। चलिए देखते हैं भाई टायर नंबर 5 अपने स्किन का। तो भाई बात कर लेते हैं अभी टायर नंबर 5 के बारे में। तो टायर नंबर 5 पे आप लोग देख सकते हो, तो यहाँ पर आप लोगों को मिलेगा 90% एलिक्सर और 8 वॉल रिंग्स और 2 जो है रिसर्च पोशन मिलेगा। तो ये मैं रिवॉर्ड्स की बोल रहा हूँ, ये काफ़ी सारा प्रेडिक्शन करने के बाद में, ये रिसर्च करने के बाद ये रिवॉर्ड सबको बताया है। तो ये देख सकते हो आप लोगों को जो है 5 टायर में कौन सा रिवॉर्ड्स देखने को मिलेगा। तो ये सब रिवॉर्ड्स है आप लोग जैसे कि स्क्रीन पे देख सकते हो, सब्सक्राइब जरूर से कर देना, बहुत ही जरूरी है। बाकी आप लोग लाइक कर दे ना कर दो कोई बात नहीं, लेकिन सब्सक्राइब जरूर कर देना। अभी हम बात करेंगे गाइस जो एक हमारे 6th टायर के बारे में। अभी हम बात करेंगे लास्ट जो क्लैन गेम्स के टायर जो रहे उसके बारे में। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो स्क्रीन पे क्या क्या मिलेगा।